एक रिसर्च के अनुसार क्रिस्पी और क्रंची खाना ज़्यादा डिलिशियस और सेटिस्फाइंग इसलिए लगता है क्योंकि जब आप उसकी बाइट लेते हैं तो उसकी आवाज़ से आपके दिमाग में ऑर्केस्ट्रा बजने लगता है और शायद आपके मनपसंद गाने भी बजते हों। तो इसी रिसर्च को आज हम टेस्ट करते हैं एक क्रिस्पी और क्रंची रेसिपी बना के। रिसर्च प्रूव हो या ना हो, एक डिलिशियस रेसिपी तो बन ही जाएगी। तो बनाना शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी जो है क्रंची पनीर। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं आपकी शेफ एंड दोस्त सुगंधा और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने चैनल आउट ऑफ फैशन पे। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और नीचे दी गई बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्रंची पनीर बनाने का सबसे ऑब्वियस इंग्रेडिएंट है पनीर। मैंने लिया है 200 ग्राम्स पनीर। पनीर को कुछ इस तरीके से लंबी स्टिक्स में काट लीजिए और अब हम इसे करेंगे स्लाइटली मैरिनेट। सबसे पहले नमक। इस मैरिनेशन से जो पनीर का फीकापन है वो निकल जाएगा। हाफ अ टीस्पून रेड चिली पाउडर, आधी चम्मच चाट मसाला, 1/4 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून नींबू का रस। अब पनीर को बहुत ही डेलिकेटली आप मिक्स कर लीजिए ताकि ये जो स्टिक्स हैं ये टूटे नहीं। मिक्स करने के बाद पनीर को करीब 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। तब तक हम एक बैटर बनाते हैं जिसमें हम इस मैरिनेटेड पनीर को डिप करेंगे। दो टेबलस्पून मैदा, दो टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, सॉल्ट टू टेस्ट, हाफ अ टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक थिक बैटर बना लेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारा पनीर बहुत अच्छे से कोट हो जाए। अब इस बैटर को हम मैरिनेटेड पनीर के ऊपर डाल देते हैं। पनीर तलने के लिए तैयार है पर उससे पहले इसे क्रंची टेक्सचर दे देते हैं। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कॉर्नफ्लेक्स का। कॉर्नफ्लेक्स को हाथ से हल्का हल्का सा क्रश कर लीजिए ताकि ये पनीर पे अच्छे से चिपक जाए। बज रहा है ना ऑर्केस्ट्रा। तो चलिए पनीर को कोट करते हैं। इसे चारों तरफ से अच्छे से कवर कर लीजिए। हल्का हल्का सा प्रेशर भी डालिए। और इसी तरीके से बाकी के पनीर की स्टिक्स को भी कोट कर लीजिए।
Now let's deep fry the coated paneer. पनीर को तब तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन और क्रंची नहीं हो जाता और इसमें लगेंगे करीब 2 से 3 मिनट। पनीर फ्राई हो चुका है, अब हम इसे एक एब्जॉर्बेंट पेपर टॉल पे निकाल लेते हैं। तो अब हम अपने क्रंची पनीर को सर्व करते हैं अपने मनपसंद सॉस या डिप के साथ में, और साथ में इसका क्रंच टेस्ट भी करते हैं। आप भी बनाइए और करिए ये क्रंच टेस्ट। उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्रंची पनीर की रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और नीचे दी गई बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।